Hi everyone, today we will discuss some more questions for Gram Sachiv exam. तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं. पीछे लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन की बात की थी. तो पहला सवाल है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो. निम्नलिखित किस राज्य का आधिकारिक पशु भारतीय हाथी है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आप इनके आंसर देख कर बता सकते हो. आसाम, झारखंड, कर्नाटक, केरल. तो इसका जवाब आपका आसाम है. याद कर लीजिए, आप लर्न कर लीजिए और मेरे साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहिए. सेंट पीटर्स स्क्वायर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है या स्थित है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने. वेटिकन सिटी, वॉशिंगटन, बर्लिन, एथेंस. सेंट पीटर्स स्क्वायर, वेटिकन सिटी. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं. जीके वाले सेक्शन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ. और निम्न में से कौन सा भारतीय स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नहीं है? तो चार ऑप्शन है आपके. छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, महाराष्ट्र, भीमबेटका की गुफाएं, बड़ा इमामबाड़ा, रानी की वाव, गुजरात. तो इसमें जो जवाब होना चाहिए आपका वो बड़ा इमामबाड़ा, यानी कि इसका सी जवाब आएगा. कुदु नृत्य, कुदु डांस कौन से स्टेट का फेमस डांस है? इम्पोर्टेंट है. तो राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर. तो चार ऑप्शन है इसमें. जम्मू कश्मीर. रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात कर रहा हूँ ग्राम सचिव एग्जाम के लिए. रण उत्सव हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान. गुजरात जवाब है इसका. आप लर्न कर लो या फिर अगर आप कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में इनका जवाब जरूर कर दीजिए. प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है? ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, केवल दूरदर्शन. ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और BSNL, केवल ऑल इंडिया रेडियो. इसका बी जवाब है. फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं. थाईलैंड, सऊदी अरब, लंदन और सिंगापुर. सोच के बताइए. बिल्कुल इसका डी जवाब है, सिंगापुर. बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर स्थित है? मलेशिया, नेपाल, चीन और श्रीलंका. तो जवाब आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में. हाँ, इसका डी जवाब है. याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आपको नहीं भी आता है तो अभी आप इसको याद कर लीजिए. जुड़वा ओलिव की शाखाओं से पश्चिमी सवियत सवियत ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? यह आपको आता ही होगा, पहले से आपने देखा होगा. तो यह आपका UNO का है, आपको याद आ गया होगा. UNO का झंडा आपने जरूर देखा होगा. निम्न में से यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है जो आपके ज्यूज माने जाते हैं, यहूदी इसराइल में जो है आपके? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं. तो आपके है तोरा. मास्टर एज सो हिम पुस्तक किसकी है? चार ऑप्शन है ये. नेहरू, गांधी जी, शेक्सपियर और निवेदिता. की जवाब है आपका निवेदिता. गुड अर्थ नामक बुक किसकी है? बुक्स पे भी सवाल आते हैं, मिलते हैं, एक आध सवाल होता है. तो गुड अर्थ आपके जो है अर्नेस्ट बक, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, लेविस कैरोल, जोनाथन स्विफ्ट. ये जवाब है इसका. अभ्युदय समाचार पत्र किससे संबंधित है? तो संपूर्णानंद नेहरू कृपलानी, मदन मोहन मालवीय.
अभ्युदय आपका मदन मोहन मालवीय। भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई? चार ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, जयदेव। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम इस वर्ष पारित किया गया 66 में, 1905 में, 37 में और 1890 में। इसका है 1905। उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो आपको आता होगा जरूर, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉलस्टॉय। निम्न में से कौन सा गायन कंठ संगीत से संबंधित नहीं है? कौन गायक है इनमें से कंठ संगीत से संबंधित नहीं है? कौन है ऐसा जो गायन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो किशोरी अमीनकर, राशिद खान, पंडित जसराज, शिव कुमार संतूर वादन करते थे। हिंदुस्तानी कट संगीत की रचना सबसे पुराना रूप कौन सा है? कट संगीत मतलब गायन, ध्रुपद है, गजल है, ठुमरी है। तो ये आपका ए है, ध्रुपद। निम्नलिखित तो भारतीय वाद्य यंत्रों में से सबसे पुराना कौन सा है? चार ऑप्शन है, वीणा, तबला, सितार, संतूर। तो वीणा। मृदंग क्या होता है? मृदंग दो मुंह वाला ढोल, एक प्रकार की बांसुरी, एक तार वाद्य यंत्र, एक मृग। मृदंग जो होता है आपका, ये साउथ इंडिया में अभी भी लोग यूज करते हैं इसे, तो दो मुंह वाला ढोल कह सकते हो आप। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? इंपोर्टेंट है, सारे इंपोर्टेंट है, याद करने हैं आपने। वायलिन, बांसुरी, सारंगी और सितार। सितार जवाब है इसका, सितार आपका अमीर खुसरो ने बनाया था, आपको याद होगा, अमीर खुसरो। वीणा और तंबूरे को मिलाकर बनाया। हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? जीके का फैक्ट है, आ सकते हैं, भूषण पंडित। इस शहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त किस पहर में उपयुक्त माना जाता है? रात में, सुबह में, शाम में, तीसरे पहर में। तो भैरवी आपका सवेरे सवेरे, मॉर्निंग में, सुबह में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, शिल्पकार, महान संगीतकार कौन थे? इतनी सारी खूबियां एक ही इंसान में, तो आपके लियोनार्डो दा विंची थे। यहूदी मेनुहिन संबंधित हैं, ये वायलिन से। स्तनपान सप्ताह कब होता है? अगस्त में, जून में, मई में, तो 1 से लेकर 7 अगस्त तक होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 अक्टूबर प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? तो कई बार बड़े छोटे छोटे सवाल होते हैं जो बड़ा फर्क डाल देते हैं, तो डेज याद करना मत भूलना, डेज वगैरह जो है आपके। तो ये आपका भारतीय वायुसेना दिवस होता है, तो एक तो आ ही जाता है, लेकिन अगर डेज वाला सवाल भी आपसे गलत हो गया तो फिर तो बहुत मुश्किल वाली बात होती है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। बाउल गायक जो है आपके वो वेस्ट बंगाल से हैं आपके। इसका मैं PDF आपको इसमें भी लिंक में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद है आपका, किस देश में रामायण का नृत्य रूप निर्धारित करती है? निम्न में से कौन सा देश में नारायण का नृत्य रूप होता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, श्रीलंका और बर्मा। बिल्कुल इसका जवाब आपका भी है थाईलैंड। तो जिन्हें आता अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है वो याद कर लो आप। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक संगीत के विकास का संवर्धन करती है, तो संगीत नाटक अकादमी कब बनी थी? सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
चार ऑप्शन है, 51, 53, 55, 56 तो 1953 एक्सपेक्टेड है, तैयार होने चाहिए। जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं हरियाणा एसएससी के नाम के, तो ऑलमोस्ट आप सब देख लो, ठीक है। आपको उनमें वो सवाल मिलेंगे जो आपको आपकी मदद करेंगे, ठीक है। उसमें आपने कुछ फी पे नहीं करनी है, सब आपकी हेल्प के लिए है। तो इन्हें आप अच्छे से देखो, चांग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो मारवाड़, शेखावटी, मेवाड़ और कोटा। तो चांग आपका शेखावटी इलाके का है। छाऊ, ये न्यूज में भी रहता है छाऊ आपका, तो छाऊ आपका उड़ीसा। और नांग करम का अहम नृत्य है खासी, गारो, जयंतिया, नागांव, ये आपका खासी। चलिए, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। असल में टाइम थोड़ा कम मिलता है, दिन भर क्लासेस रहती हैं, तो इसलिए ज़्यादा वीडियोस आपके लिए नहीं लेकर आए, लेकिन अब कोशिश करेंगे और वीडियो आपके लिए लेकर आए। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच। Welcome to Kushmanda Education. Time to think about success. You can join us for different type of courses now. All courses are available on a single platform. You can also become an IAS officer, HCS topper and Naib Tahsildar. You can also crack HTET exam, SSC, banking, NDA, HSC, UPPCS, Punjab PCS, HPAS. You can also crack all the exam with our guidance, our study material and all type of our help. Our helpline numbers are 860-7570-992-9728-926678. Hamara email hai kushmandaeducation@gmail.com. Website www.kushmanda.com, जहाँ पर आप हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, सो कॉल अस नाउ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुशमांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहे।